महाराष्ट्र की सियासत में तीखे बयानबाजी का दौर जारी है। अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने एक बार फिर बच्चू कड़ू पर करारा हमला बोला है। रवि राणा का दावा है कि बच्चू कड़ू की तीसरी आघाड़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। रवि राणा ने आरोप लगाया है कि बच्चू कड़ू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अचलपुर में अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और साथ ही मेघाट में राजकुमार पटेल को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। राणा ने कहा कि बच्चू कड़ू तीसरी आघाड़ी से कभी भी यूटर्न लेकर वर्षा बंगले पर सरेंडर कर सकते हैं। रवि राणा का ये भी आरोप है कि लोकसभा चुनाव में बच्चू कड़ू ने वोटों का विभाजन किया है, जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी आघाड़ी का गठन सिर्फ मांडवली का हिस्सा है, जिसके जरिए बच्चू कड़ू चुपचाप बैठकर एकनाथ शिंदे से समर्थन की मांग कर रहे हैं। बच्चू कड़ू हा नेहमी कुठल्या ना कुठल्या आता दोन दिवसांनी मुख्यमंत्र्याला भेटून आले। तिसरी आघाडी मला मी दाव्यानं सांगतो तिसरी आघाडी पूर्ण फ्लॉप होणार आहे। तिसरी आघाडीच्या माध्यमातून पुन्हा बच्चू कड़ू आता एकनाथ शिंदेजींना म्हणतो की मला अशोकपूरमध्ये पाठिंबा द्या, मेलगाडमध्ये राजकुमार पटेलला तिकीट द्या। तर मला असं वाटते कधी ह्या तिसऱ्या आघाडीतून यूटर्न घेईन आणि सलेंडर होऊन जाईल वर्षा बंगल्यावर, त्याला काही तथ्य नाही आहे। आणि राहिली गोष्ट पाळाची नवनीत राणाला पाळण्यासाठी बच्चू कडूंनी ज्या पद्धतीनं मैदानामध्ये उतरून एक डमी कॅन्डिडेट उतरवला आणि मताचं विभाजन केलं आणि एकच नारा होता की नवनीत राणाला पाळायचं। आता बच्चू कडू कुणाच्या शिफारा घेते, बच्चू कडू कुठल्या प्रकारची नाटकं करते, तिसऱ्या आघाडीचं नाटक केलं तर तिसऱ्या आघाडीच्याही डोळ्यामध्ये मिरची पावडर टाकन आणि पुन्हा यूटर्न देऊन कुठेतरी मांडवली करून चुपचाप बसून जाईल। आणि स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये आजही बच्चू कडू एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा मागत आहे की अचलपूर मतदारसंघात मला पाठिंबा द्या महायुतीचा, आणि राजकुमार पटेलला एकनाथ शिंदेकडे पाठवते। म्हणजे हे जी खेळी आहे ही आता 20 वर्षापासून अचलपूर मतदारसंघामध्ये जे लोकांना दिशाभूल करण्याची खेळी चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये, अचलपूर तालुक्यामध्ये अचलपूर मतदारसंघामध्ये आज एकही उद्योग नाही आहे। अनेक लोक महिला युवक बेरोजगार आहे, कुठल्या प्रकारचा शैक्षणिक इन्स्टिट्यूट नाही आहे, आरोग्याची सुविधा नाही आहे, तिथे पिण्याची लोकांना सुविधा नाही आहे। 20 वर्षापासून तो पूर्ण मतदारसंघ वंचित आहे। आता मला असं वाटते अचलपूर मतदारसंघातली जनता त्याला चांगलं ओळखते, हा खूप गारुडी आहे आणि मोठ्या प्रमाणात बाप बळाना भैया सबसे बड़ा रुपया असा नारा घेऊन नेहमी काम करणारा व्यक्ती आहे। आताही तिसऱ्या आघाडीच्या डोळ्यामध्ये मिरची पावडर फेकून हा यूटर्न येऊन वर्षा बंगल्यावर जमा होईल। बच्चू कड़ू की तीसरी आघाड़ी पूरी तरह फ्लॉप होगी। वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि अचलपुर में मुझे समर्थन दीजिए और मेड़घाट में राजकुमार पटेल को टिकट दीजिए। बच्चू कड़ू कभी भी यूटर्न लेकर वर्षा बंगले पर जाकर सरेंडर करेंगे। पिछले 20 सालों में उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बच्चू कड़ू सिर्फ गारुडी का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बच्चू कड़ू रवि राणा के इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं और क्या तीसरी आघाड़ी वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई प्रभाव डाल पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.